हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज मैंने बनाई है कढ़ी, पकोड़ा कढ़ी बनाई है। बहुत इजी रेसिपी है और आपके पकोड़े अगर सॉफ़्ट नहीं बनते तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखें, और इसको देखने के बाद आपके पकोड़े भी सॉफ़्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है बटर मिल्क कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले, तो ये 1 लीटर है और इसमें हम डालेंगे अब बेसन। आपके पास बटर मिल्क नहीं तो आप 2 कटोरी दही लेके उसे अच्छे से फेंट के पानी डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है और चम्मच से ले तो ये डेढ़ बड़ा चम्मच है। तो हम बेसन को यहीं मिक्स कर लेंगे, इसलिए अगर आप कढ़ाई में मतलब गरम मठे में डालना चाहते हैं तो ये लम्स पड़ जाते हैं उसमें, इसलिए मैं बेसन यहीं मिक्स करना प्रेफर करती हूँ बटर मिल्क में। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन को। तो देखिए हमने बेसन को बटर मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम बनाएंगे कढ़ी। तो यहाँ मैंने लिए बड़ी सी कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल। दो बड़े चम्मच लिया है ऑयल, इसे गर्म होने देते हैं। तो ये गर्म हो गए, इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, राई और मेथी दाना डालेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च और करी पत्ता और हींग डाल देंगे 2 चुटकी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमारे मसाले अच्छे से सीख गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बटर मिल्क, बेसन घुला हुआ, और हाई फ्लेम पर इसे चलाएंगे। जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाए तब तक कंटिन्यू हिलाते रहेंगे हम इसे। तो लास्ट में तपेली में नीचे बेसन बचा था तो मैं इसे पानी में अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल रही हूँ इसमें। तो इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक बॉईल नहीं आ जाता। और साथ ही इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच डाल देंगे, जो खाने वाला चम्मच होता है वो वाला डाल रही हूँ, और साथ ही हम डालेंगे नमक। तो नमक डाल देंगे हम, तो 2 चम्मच मैंने नमक डाले हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो इसमें बॉईल आने देते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ी में बॉईल आने लग गया है और इसका कलर चेंज हो गया है हल्दी की वजह से। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया इसमें। तो 1 मिनट तक हम उबाल आने देते हैं, अच्छे से हिला के चलाते हुए पका लेंगे 1 मिनट तक, फिर इसे हम कवर करके रखेंगे। तो अब ये देखिए उबाल आ गया अच्छे से। अब 1 मिनट तक भी हमने इसे पका लिया, तो इसे कवर करके हम 45 मिनट तक इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम भजी बनाने के लिए, मैंने यहाँ 1 कटोरी बेसन लिया एक बाउल में, तो इससे हम भजी बनाएंगे। तो यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ 3/4 चम्मच, यानी 1 चम्मच से थोड़ा कम, और मिर्ची डाल रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, या ऑप्शनल है आप नमक भी डाल के बना सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका अच्छे से घोल बना लेंगे बेसन जैसा। बेसन से थोड़ा सा पतला रखेंगे, इससे हमारे जो हम भजिए बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं कढ़ी के, वो सॉफ्ट बनते हैं। तो थोड़ा सा गीला बैटर रखेंगे हम। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए हमारा घोल रेडी है, इस तरह से होना चाहिए गीला, इससे भजिए परफेक्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो हम बनाते हैं अब। तो यहाँ मैंने लिए कढ़ाई, तो तेल को हम गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया तो हम इसके भजी बना लेंगे। तो
ये देखिए कितना पतला बैटर है हमारा और परफेक्ट भजिए बन रहे हैं और ये सॉफ्ट बनते हैं बिल्कुल, तो ये परफेक्ट है। तो इसी से हम सारे बेसन के भजिए बना लेंगे। तो ये हमने डाल लिए सारे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो लाइट कलर की फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, डार्क नहीं करने हैं। तो अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, ये देखिए ऐसी कलर रखना। अब इन्हें निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो देखिए हमने इन्हें निकाल लिया है और ये परफेक्ट बने। इसी तरह से हम सारे बेसन के बना लेंगे। तो हमने ये देखिए सारे बेसन के बना लिए हैं और यहाँ हमारी कबड़ी को 45 मिनट हो गए हैं। तो 40 से 45 मिनट हमें इसे कंटिन्यू पकाना था लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसे पकने में ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए ऐसे चम्मच में एक लेयर आनी चाहिए। तो ये परफेक्ट बन चुकी है। अब इसमें जो हमने भजिए बनाए थे हम वो डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो 1 मिनट तक हमने पका लिया। अब गैस बंद कर देते हैं और धनिया डाल के इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे मिक्स कर लेंगे धनिया को और हमारी कढ़ी रेडी है और इसे सर्व कर लेते हैं। वो हमने सर्व कर ली है कढ़ी। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं। कैसी बनी अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।